नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चुनावी साल में राहुल गांधी का एमपी में पहला दौरा, शाजापुर में जन आक्रोश यात्रा को करेंगे संबोधित, दावा 70,000 लोगों की भीड़ आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चुनावी साल में पहली बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वे शनिवार सुबह 11 बजे शाजापुर के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलायकला आएंगे। यहां विधायक जीतू पटवारी की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वे करीब 2 घंटे रहेंगे। दावा है कि सभा में 70,000 से अधिक लोग पहुंचेंगे। सभा के बाद राहुल गांधी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होंगे। 1.5 लाख वर्ग फीट में लगाया टेंट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगमन की तैयारी शुक्रवार शाम तक पूरी हो चुकी है। यहां 2 हेलीपैड और डोम लगाए गए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना ने बताया कि 1.5 लाख वर्ग फीट में टेंट बनाया गया है। इस आम सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कालापीपल विधानसभा से चुनाव प्रचार का शंखनाद। कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी का कहना कि आम सभा में आसपास की 10 विधानसभाओं से लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए आएंगे। शुक्रवार को शाजापुर पहुंचे कांग्रेस के मप्र प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि राहुल गांधी का आगमन ऐतिहासिक कदम होगा। यह जनता का जन आक्रोश है। यह जन आक्रोश है पीड़ित किसानों का। यह जन आक्रोश है बिकती नौकरियों का। इसमें इस बार भाजपा सरकार बह जाएगी। इसके लिए राहुल गांधी यहां आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में बदलाव लेकर आएंगे। वे भाजपा की दमनकारी नीतियों से जनता को राहत दिलाएंगे। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को जबलपुर पहुंची। यहां उन्होंने ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा आरती की। इसके बाद सभा में कहा, आपके साथ पिछले 18 साल से गलत हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।